ओके okay. तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, ये कोर्स का जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सभी टॉपिक में आपको कि ये पूरा कोर्स किस तरह कवर होने वाला है तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको आज के टॉपिक तो बता दिए, मैं पूरे टॉपिक के हिसाब से आपको पूरा बताऊंगा। अगर हम ये पूरा कोर्स करेंगे उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आज के टॉपिक हमने बताए है, जैसे कि हैकिंग क्या होगा, हैकिंग और एथिकल हैकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ हैकर, हैकर के अलग अलग टाइप्स, हैकर जो है वो हैकिंग करने के बाद क्या करता है, हैकिंग सब जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वो टॉपिक तो हम कवर करेंगे ही। उसके अलावा जो दूसरा या तीसरा या चार जो सेशन है उसके बाद जैसे पूरा कोर्स खत्म होगा तो आप सबसे पहला जो सबको मोस्टली स्टूडेंट लोगों को पसंद होता है कि वाईफाई हैकिंग करना आप सीख लोगे कि वाईफाई कैसे हैक करते हैं। दूसरा आप कंप्यूटर को यानी कि विंडोज कंप्यूटर को पूरे डिटेल में जान लोगे, पूरे डिटेल में देंस ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कोर्स नहीं है कि आपको विंडोज के सभी ऑप्शन मालूम पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि जो दूसरे रेगुलर कंप्यूटर को मालूम नहीं है लेकिन आपको मालूम पड़ेगी, आप कंप्यूटर को पूरा डीपली जान लोगे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज जैसे कि आपको विंडोज का पासवर्ड हैक करना है तो वो भी आप कर पाओगे। विंडोज के पासवर्ड के साथ साथ अगर आपको पासवर्ड क्रैक करना है, जैसे कि हैक करना एंड क्रैक करना दोनों अलग चीज है, मैं आपको यहाँ पर आगे अलग डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हैकिंग में और क्रैकिंग में डिफरेंस क्या है। तो हम क्रैक करना भी आप सीख लोगे, यानी कि किसी कंप्यूटर का या विंडोज का पासवर्ड आपको नहीं मालूम एंड आपको डायरेक्ट लॉग इन करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे विदाउट पासवर्ड आप लॉग इन कर सकते हो। उसमें भी अलग अलग मल्टीपल तरीके है, मैं आपको इस सेशन खत्म होने के बाद पूरी एक लिंक भेज दूंगा जिसके अंदर सभी के सभी टॉपिक है कि हम इस कोर्स में कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। लेकिन ये सब जो मैंने आपको मेन मेन चीजें बताई जो इजी है और आप आसानी से कर सकते हो, मीन्स मान लो कि आप किसी फ्रेंड के घर पे गए हो, आपको उसका कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करना है, आपको पासवर्ड नहीं मालूम और आपने दो तीन बार पूछा लेकिन फ्रेंड नहीं दे रहा था, तो भी आप जो प्रोसेस करके इजीली हैक करके उसका कंप्यूटर खोल सकते हो। तो उसमें थोड़ी बहुत कंडीशन भी है क्योंकि अलग अलग टेक्निक है, मैंने आपको बताया कि दो तीन अलग अलग टेक्निक है तो डिपेंड ऑन सिचुएशन आपको अलग अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, वो हम धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको सब मालूम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम हैकिंग के अंदर आते हैं। हैकिंग के अंदर जैसे कि हैकिंग क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग होता है, सब लोग बोलते हैकिंग करना है या हैकिंग कर सीखना है, उसका मोबाइल मुझे हैक करना है या फिर उसका लैपटॉप कंप्यूटर मुझे हैक करना है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हैक? तो हैक का मीनिंग नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी टेक्निकल डिवाइस है उसको डिटेल में जान लेना। डिटेल में इन द सेंस सबको जो जानने का तरीका अलग होता है, कुछ लोगों को चार पांच चीजें मालूम होते बोलते हैं मुझे डिटेल में मालूम है, लेकिन यहाँ पर मेरा डिटेल में कहने का इंटेंशन ऐसा है कि जो रेगुलर जिंदगी में या फिर ऑफिस लाइफ में जो कंप्यूटर यूज करता है, जैसे कि फाइल फोल्डर बनाना, कॉपी पेस्ट करना, मूवी डाउनलोड करना, सॉन्ग सुनना एक्सेट्रा, जो नॉर्मल काम है जो नॉर्मली घर में या ऑफिस में करते हो, उसके अलावा आपको खुद कंप्यूटर का या फिर मोबाइल का एक्स्ट्रा नॉलेज हो, जैसे कि आप मोबाइल के अंदर कोई ऑप्शन देख रहे हो तो वो ऑप्शन क्यों दिख रहा है, वो अगर ऑप्शन क्लिक करते हो तो वो वैसा ही क्यों खुलता है, कुछ अलग तरीके से क्यों नहीं खुलता। जैसे आजकल एंड्रॉइड का जमाना है तो आप नॉर्मली तीन ऑप्शन नीचे होते स्विच के अंदर, बैक जाओ, ऑप्शन खोलो या फिर होम बटन दबा के सब कुछ बंद कर दो, तो वो जो की के फंक्शन है वो किस तरह काम करते हैं, बैकग्राउंड में क्या चीज सेटअप की हुई ताकि वो मैं टच करता हूँ तो वैसा हो जाता है, वो सब डिटेल आप अगर जानते हो या फिर जानने की आपके अंदर इच्छा है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। एंड उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे हैक। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है या स्टिल फिर से कोई आवाज में दिक्कत आ रही है तो मुझे चैट में लिख सकता है, मैं यहाँ पर चैट देख रहा हूँ, अगर कंप्लीटली है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को भी कभी भी कुछ इंटरप्शन आता है तो डायरेक्ट मुझे चैट में कर सकता है, और ये व्हाट्सएप नहीं है या फिर चैटिंग वाला फंडा नहीं, हम यहाँ पर ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं तो जो भी आपको मैसेज भेजना है वो जस्ट कोड लैंग्वेज में भेजना, एक दो शब्द में। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट बोला था कि अगर आपको वॉइस सुनाई दे रहा है तो आपको हिंदी लिखना है तो आप हिंदी लिखो, ठीक से सुनाए तो ओनली वॉइस लिख दो, वीडियो दिख रहा है स्क्रीन देखो ओनली स्क्रीन लिख दो, मुझे स्क्रीन दिख रही है या फिर मुझे आवाज आ रही है ऐसा कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उतना समझ लूंगा। जस्ट आप कोडिंग लेवल में भेजना ताकि मैं जल्दी से आपको रिप्लाई देख सकूं और सबका मैसेज पढ़ सकूं, क्योंकि आप मुझे अकेले को सुन रहे हो लेकिन जब यहाँ पर रिप्लाई दोगे तो यहाँ पर मुझे सबके रिप्लाई आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते आगे। हैकिंग के बारे में आपको बताया था कि हैक क्या होता है। अब जो हैक मैंने आपको मीनिंग बताया
वही प्रोसेस अगर आप करते हो, जैसे कि आप तो कुछ डिटेल में जानना है, मैंने आपको बताया कि आपको इच्छा है कि डिटेल में जानना है एंड आपको डिटेल में जान लिया, तो वो जो प्रोसेस आप कर रहे हो डिटेल में जानने की या किसी डिवाइस को ठीक से सुनने की, उसको हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक फंडा है, डिफरेंस बिटवीन हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। अब ये हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग क्या था, हैकिंग का तो मैंने आपको मीनिंग बताया। अब मान लो कि कोई जो बंदा है वो ठीक से प्रॉपरली नहीं लेकिन गलत तरीके से ये टेक्निक ये स्किल को यूज कर रहा है। मान लो कि मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको किसी दोस्त के घर गए हो, वो आपको पासवर्ड नहीं दे रहा ना, आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन मान लो कि फ्रेंड हाजिर नहीं था, आपको फ्रेंड का ही कुछ काम था, उसके लिए कुछ करना था ना, आपने किया, वो इट्स अ गुड थिंग कि उसके लिए कुछ आपने किया, उसके काम के लिए। आप ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए या फिर कोई गलत काम के लिए वो प्रोसेस करते हो, वो जब हाजिर नहीं है या फिर मान लो कि वो थोड़े टाइम के लिए बाहर गया या फिर आपने उसका लैपटॉप लेके एक दो दिन के लिए अपने घर पे लाए हो एंड आप उसके डेटा को कुछ प्रॉब्लम करते हो, लाइक डेटा डिलीट कर देते हो या कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हो एंड उसका जो मिसयूज करते हो, जिससे जिसका ओरिजिनल डेटा था उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो हो गया हैकिंग। इट्स लाइक बैड हैकिंग। ठीक है, और वही काम अगर आप गुड तरीके कर रहे हो, अच्छे तरीके से, तो वो हो गया एथिकल हैकिंग। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिंपल चोर एंड पुलिस का भी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जो रियल टाइम में होता है। जैसे कि अगर कोई चोर चोरी करने जाता है तो वो किसी का पैसा या किसी की चीजें विदाउट एनी इंफॉर्मेशन या फिर विदाउट ऑथोरिटी ले लेता है एंड फिर खुद के लिए वो यूज कर लेता है, तो वो हो गया इट्स लाइक हैकिंग। लेकिन मान लो कुछ प्रॉब्लम हुआ है किसी घर में एंड वहां पर पुलिस जाती है लेकिन लॉक बंद है, दरवाजा बंद है, और पुलिस वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाती है विदाउट परमिशन, विदाउट ऑथोरिटी, तो वो हो गया एथिकल हैकिंग। वो अच्छे काम के लिए कर रहे थे। एनी कंफ्यूजन, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो सिंपल सी लिख के मैसेज कर दो, कंफ्यूजन का सी, एंड अगर ठीक है गुड रेडी है तो यस करके लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ू। सागर पटेल को कुछ कंफ्यूजन है, सागर आपका कॉल भी आया था, क्या कंफ्यूजन आप चैट में लिख सकते हो। आई एम वेटिंग सागर, आप मैसेज में लिख सकते हो क्या प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है। टॉपिक 5, यहाँ पर टॉपिक का नाम नहीं है। सागर आप अपना माइक थोड़ी देर अनम्यूट करो और मुझे बताओ। हैकिंग एंड इथिकल हैकिंग रिपीट। हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग, ओके आई एम रिपीटिंग, ओके म्यूट कर दो। हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग सिंपली मैं फिर से बता देता हूँ, कंफ्यूजन है तो, कि अगर आप किसी डिवाइस का अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस कर रहे हो और जिसका आप एक्सेस कर रहे हो उसको आप प्रॉब्लम कर रहे हो या फिर उसके लिए आप नुकसान वाला काम कर रहे हो, तो वो हो जाएगा हैकिंग। एंड अगर वही काम आप अच्छे काम के लिए करो, जैसे कि मान लो मुझे मेरा लैपटॉप का पासवर्ड नहीं मालूम था, मैं किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट के वाले के पास गया एंड उसने मेरा पासवर्ड क्रैक कर दिया, तो उसने जो काम किया, मैंने बोला था डिवाइस मेरा था, मैंने अथॉरिटी दी भाई तू उसको हैक कर, और उसने मेरा पासवर्ड क्रैक करके मुझे नया पासवर्ड दे दिया, तो वो हो गया एथिकल हैकिंग। आप खुद भी अपने लाइफ में बहुत टाइम किया होगा कि आप गूगल का जीमेल का पासवर्ड भूल गए हो, आपने फॉरगॉट पासवर्ड किया, आपको एक लिंक आती है वहां जहां से आप अपना
हाई लेवल का एक्सेस लेके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, तो हो गया एथिकल हैकिंग गुड तरीके के लिए। यही चीज मान लो किसी और का अननोन का लैपटॉप, या फिर आपके फ्रेंड का, या फिर आपके सर का, किसी और का लैपटॉप है ना, अनऑथोरिटी की तरह से उसको एक्सेस करते हो, अपनी जो हैकिंग की स्किल है, आपको पासवर्ड क्रैक करना जो आता है, वो स्किल आप विदाउट ऑथोरिटी और बुरे काम के लिए, मिस यूज करने के लिए यूज करते हो, तो उसको हम सिंपल बोलेंगे हैकिंग। क्लियर सागर? रिप्ले में अगर यस दे दो कंप्लीट हो तो। ओके डन क्लियर। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग का फंडा क्लियर हो गया, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो भी बताया था कि हैक का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हैकर में आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में मैसेज आ रहे हैं, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, मैं बंद हो गया था, करण वॉइस आएगा जब मैं बोलूं एंड आवाज कट रही हो तो आप मैसेज कर देना। ओके, टाइप्स ऑफ हैकर, हैकर के टाइप मेनली अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी कोई भी एथिकल हैकिंग का कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको 3 एथिकल हैकिंग के टाइप मिलेंगे, 3 एथिकल हैकिंग के टाइप मिलेंगे, जिसमें आपको हैकर के टाइप, नॉट एथिकल हैकिंग, सॉरी माय मिस्टेक, हैकर के मेनली 3 टाइप है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली ऑनलाइन या गूगल में भी सर्च करोगे टाइप्स ऑफ हैकर या फिर हैकर क्या होता है, तो भी आपको मोस्टली ये 3 टाइप मिल जाएंगे। तो वो किस तरह से टाइप्स ऑफ हैकर, तो सबसे पहला जो है वो आता है व्हाइट हैट हैकर, जो आपको इधर दिख रहा है, सिंपल मैंने इस तरह बनाया हुआ है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से लगे, ऑनलाइन सेशन है। व्हाइट हैट हैकर मीन्स ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको व्हाइट हैट मिलने का, पहनने का परमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपकी कैटेगरी इस लाइक आपका ये हो जाएगा पोजिशन या फिर आपका लेवल, कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया एथिकल हैकिंग, जैसे कि आपको पास हैकिंग की स्किल है, आपको कंप्यूटर का थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज है, आपने एथिकल हैकिंग का कहीं से कोर्स किया हुआ है या फिर सेल्फ लर्निंग किया हुआ है, एंड आप कंपेयर टू अदर कंप्यूटर यूजर खुद अच्छे से कंप्यूटर की स्किल जानते हो, एंड आप वही स्किल अच्छे काम के लिए यूज करते हो, तो उसको हम बोलेंगे एथिकल, जैसे थोड़ी देर पहले बताया, और उसी को प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर। ओके, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो मैसेज में कर दो सी। चैट के अंदर क्लियर है तो यस कर दो भाई। ओके गॉट इट। उसके बाद दूसरा टाइप है हैकर का, जो है ब्लैक हैट हैकर, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ब्लैक हैट हैकर है कुछ ये जो है वो जो एक्चुअल में हैकिंग करता है, मीन्स की बैड काम, गलत काम, मतलब कि अपनी हैकिंग की जो स्किल है उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो वो जो बंदा करता है उसको हम बोलेंगे ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हो तो आपके ऊपर ब्लैक हैट आ जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी पोजिशन हो जाएगी, आपकी कैटेगरी वो हो जाएगी, ठीक है। मीन्स जो अच्छा काम करता है, हैकिंग की स्किल तो दोनों में चाहिए, ऐसा नहीं है कि ब्लैक हेड ऊपर वाला या व्हाइट हेड नीचे वाला, इससे दोनों की कंपैरिजन अलग अलग नहीं है, दोनों के अंदर मोस्टली जो स्किल लेवल है वो सेम होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल प्रोसेस और अदर सर्वे ऑफ हैकर, जो ब्लैक हेड हैकर होता है उसके पास टेक्निकल नॉलेज नॉर्मली ज्यादा होता है, क्योंकि मोस्टली सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी फिलहाल आज के डेट में अलग अलग हैकर के या फिर एथिकल हैकिंग के नेटवर्क सिक्योरिटी के बंदे रखे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है
या फिर उसके ऊपर अटैक होता है, यानी उसका मीनिंग क्या होगा कि वो कंपनी के अंदर जो एथिकल हैकर था या फिर जो वाइट हैकर, उसकी स्किल कहीं पर कम पड़ गई और जो ब्लैक हैट हैकर था जो गलत काम करने के लिए हैक करने की ट्राई कर रहा था उसने हैक कर लिया। मींस डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लैक हैट हैकर की स्किल कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। तो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू सर्वे यही होता माना जाता है कि जो ब्लैक हैट हैकर है उसकी स्किल ज्यादा होगी। लेकिन मोस्टली मार्केट में ऐसे ही तरीके आते हैं कि जो हैक हो चुके हो, जैसे कि मान लो कोई कंपनी के अंदर उसका कुछ वेबसाइट हैक हो गई या फिर उसका सर्वर डाउन हो गया, या फिर मान लो जैसे कि गूगल या फेसबुक टेम्पररी, मान लो कि आपको 15-20 मिनट या आधे घंटे या 1-2 घंटे के लिए आपको गूगल खोल नहीं पा रहा, मतलब कि गूगल का सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आया होगा, तो न्यूज में तुरंत आ जाए कि आपके गूगल का सर्वर 2 दिन के लिए या फिर 2 घंटे के लिए डाउन। लेकिन मान लो जब हैक हुआ उसी टाइम ब्लैक हैट हैकर ने हैक करने की ट्राई की, ऐसा नहीं, उससे पहले भी बीच बीच में कई बार वो ब्लैक हैट हैकर ने हैक करने की ट्राई की होगी, लेकिन उस टाइम व्हाइट हैट हैकर ने अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से बच गए होंगे। लेकिन जब बचे या फिर अगर आप सेफ हो तो वो कभी न्यूज में नहीं आएगा कि भाई इस टाइम हमारी कंपनी के व्हाइट हैट हैकर ने इस हैकर से बचाया। सो न्यूज में मोस्टली वही आएगा कि इस कंपनी का हैक हो चुका, और उस हिसाब से मोस्टली सर्वे के अंदर यही आता है कि ब्लैक हैट हैकर की स्किल ज्यादा होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सर्वे जो नया अलग अलग सर्वे हुआ है उसके हिसाब से माना जाता है कि जो व्हाइट हैट हैकर है उसकी भी स्किल ज्यादा होती है, लेकिन उसकी स्किल कभी मार्केट में या न्यूज में नहीं आती। सो अकॉर्डिंग टू मी दोनों की स्किल डिपेंड ऑन यूजर होती है कि किसने कितना पढ़ा हुआ है, कितने कितनी प्रैक्टिस की हुई है उसके हिसाब से। ओके, तीसरा जो टाइप है वो है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर नॉर्मली कलर भी इसका इस तरह रखा है, लाइक थोड़ा ब्लैक थोड़ा व्हाइट मिक्सिंग शेड जैसा। ग्रे हैट का मीनिंग क्या होगा कि कोई ऐसा यूजर या ऐसा टेक्निकल पर्सन जिसको स्किल है, मीन्स ये सब टाइप तो हैकर के ही है, मतलब हैकिंग की हैकर की स्किल तो सबके पास है ही, लेकिन यहाँ पर इसका काम करने का तरीका कैसा होगा कि वो भाई साहब सिंपली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी के अंदर अकॉर्डिंग टू नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल वो पोजीशन पे काम कर रहे हैं, एंड उसका जो पोजीशन होगा वो एथिकल हैकर या नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल ही ना जाएगा, एंड वो कंपनी को सिक्योरिटी देने का काम करते हैं। लेकिन जस्ट फॉर खुद की स्किल चेक करने के लिए या फिर फन, लाइक मुझे कितना हैकिंग आता है, या किसी को ऐसे ही परेशान करने की बात नहीं कर रहा मैं, क्या बता रहा हूँ जस्ट फॉर फन वो अपनी अलग अलग हैकिंग करता रहता है आउट ऑफ द जॉब टाइम। मींस जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर एज अ एथिकल हैकर वो प्रोफेशनल है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल, उस टाइम नहीं, आफ्टर जॉब अपने घर पे या फिर रैंडम प्लेस के ऊपर वो अपने हैकिंग की स्किल का ट्राई करता है, तो उस टाइम पे फिर वो का उसका काम क्या हो जाएगा, हैकिंग जैसा। लेकिन यहां पर मैं ऐसा कंपलसरी नहीं बता रहा हूँ कि वो ब्लैक हैट जैसा ही काम करेगा, लेकिन स्टिल वो अनऑथोरिटी से एक्सेस लेता है तो उसका दोनों तरह का काम हो गया, और इसीलिए उसको ग्रे हैट हैकर बोलते हैं। अभी इस टॉपिक के अंदर टाइप्स ऑफ हैकर में किसी को कंफ्यूजन हो तो सी लिख दो, या फिर से मुझे यस लिख के चैट में रिप्लाई दे दो। ओके डन, तो अब हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर आपको मालूम पड़ गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस टॉपिक को शुरू करते समय कि मेनली 3 टाइप हो गए, ब्लैक हैट व्हाइट हैट ग्रे हैट, और भी अलग अलग हैकर के टाइप आते हैं जो मैं कल के सेशन में लूंगा। टोटल मेनली अकॉर्डिंग टू जो इंटरनेशनल जो कोर्स है, लाइक सबने सुना होगा या फिर किसी ने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पे भी देखना, CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ये जो कोर्स है वो इसी काउंसिल का है और वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। मींस अगर आप ये कोर्स करते हो एंड आप इसकी इंटरनेशनल एग्जाम आती हो देते हो तो आपको ये CEH गिना जाएगा, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, एंड ये जो कोर्स है वो इंटरनेशनल सब जगह वैलिड है, और ये इकलौता ऐसा कोर्स है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एथिकल हैकिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। उसके अलावा रिसेंटली मीन्स 1-2 साल पहले ही नया आया हुआ है जिसको बोलते हैं स्टार का सर्टिफिकेशन कोर्स, स्टार सर्टिफिकेशन का एथिकल हैकिंग आता है, वो भी
दूसरा कोर्स है, लेकिन वो अभी मार्केट में इतना ज्यादा नहीं है। मैं यहाँ पर किसी का बुरा या अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन सबसे बेस्ट ये है सीईएच। अभी रिसेंटली जो ये सीईएच है उसमें सीईएच में वर्जन 10 चलता है। जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग के सेशन में ही कि आईटी फील्ड है तो कोर्स एंड टॉपिक अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो अभी जो ये कोर्स है उसके अंदर वर्जन 10 चल रहा है। ये जो वर्जन 10 है वो 14 मार्च 2019 को रिलीज हुआ था, 1 साल पहले का, लेकिन अभी के लिए वो तो लेटेस्ट ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोर्स हर 2-3 महीने में या 10-15 दिन में चेंज होता रहेगा। अभी ये वर्जन 10 चल रहा है, और ये वर्जन 10 के अंदर जो नई चीज आई वो ऐसा है कि इससे पहले यानी कि सीईएच में सीईएच वर्जन 9 तक आपको ओनली एमसीक्यू में एग्जाम आती थी कि आप एमसीक्यू एग्जाम दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसके आंसर दे सकते हो एमसीक्यू में। और आपको अगर क्लियर हो गई एग्जाम तो आपको सीईएच का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसकी फीस ऑनलाइन $500 होती है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस कोर्स की वैल्यू ये फीस इतनी महंगी भी नहीं है। $500 होती है उसकी फीस, जिसमें ओनली एमसीक्यू आते हैं। लेकिन वर्जन 10 से ये तरीका चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपको 2 एग्जाम आती है, वन इज एमसीक्यू एंड जो सेकंड आती है वो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। मींस आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, आपको एक पूरा सिनेरियो रेडी करके दिया जाएगा। जो हम आगे का टॉपिक, अभी आपको सब टॉपिक नहीं पढ़े इसलिए हमको टॉपिक नहीं बता सकता, लेकिन सिंपल समझ लो कि आपके पास लाइव डिवाइस हो गए अपने घर पे, नहीं आपको सेशन इस सीईएच की एग्जाम देने के लिए उसके सेंटर में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको पूरा लाइव सिनेरियो दे गए, लाइव डिवाइस भी हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी डिवाइस लाइव नहीं हो गया, आपको वर्चुअल लैब दी जाएगी। और उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन करके दिया होगा और आपको टास्क दिया होगा, वो आपको टास्क पूरा कंप्लीट करना है। तो दोनों एग्जाम में क्लियर होने के बाद ही आप सीईएच गिने जाओगे, बस ये चेंजेस है। तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज हैकर्स डू आफ्टर हैकिंग, हैकिंग के बाद हैकर्स क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हैकिंग की प्रोसेस के बारे में बता दूं कि हैकिंग की प्रोसेस क्या है। हैकिंग की प्रोसेस आपको मालूम होगी तभी आपको हैकिंग का काम मालूम पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा हैकिंग के बाद हैकर करेंगे क्या। ठीक है, ये एग्जाम के बारे में किसी को पूछना हो तो वो अभी सेशन में मत पूछना, आपके सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है ही, व्हाट्सएप नंबर है ही, तो आप बाद में कॉल करके पूछ सकते हो। अभी हम जस्ट लर्निंग कर रहे हैं तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं। स्टिल किसी को टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो क्यों करके रिप्ले दे क्वेश्चन, अगर किसी को है तो, एंड अगर नहीं है तो एन कर दे नो। ओके, तो हम हैकिंग की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। हैकिंग की प्रोसेस जो है अगर नॉर्मली हम देखने जाए, किसका चालू हुआ, किसका ओके। हैकिंग की प्रोसेस मेनली क्या होगा कि सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। इट्स लाइक के अगर आपको किसी का भी हैकिंग करना है, किसी का अकाउंट हैक करना है, एक्सेस लेना है, या फिर फेसबुक का आईडी, आजकल इंस्टाग्राम आईडी सब क्रेज में है कि सभी लोग, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं सर आप मुझे इंस्टाग्राम का आईडी हैक करके दो। लेकिन यहाँ पर भी जो अटेंड कर रहे सबको मैं बता दूँ कि आई एम अ प्रोफेशनल हैकर, मैं यहाँ पर अभी ट्रेनिंग करने के लिए हूँ। मैं किसी का सिंगल सिंगल पर्सन का लाइव हैक करके नहीं देने वाला, ये ऐसा काम मैं नहीं करता। अगर आपको कोई दिक्कत है, रियली आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप साइबर क्राइम वाले के पास जा सकते हो। साइबर क्राइम के अंदर कैसे प्रोसेस करनी है, किसको कैसे कंप्लेन करनी है, उसकी प्रोसेस जानने है तो भी आप सेशन के बाद या फिर कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, कोई इमरजेंसी है, तो अभी से आप एक ऑप्शन माइंड में रख देना कि आप मुझे इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज करो। इंस्टाग्राम अगर कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा, किसी को नहीं मालूम, तो मैं मैसेज के अंदर लिख रहा हूँ मेरा आईडी, उसमें आप फॉलो करना। क्योंकि व्हाट्सएप में नॉर्मली जब फ्री होता हूँ, इन द सेंस कि सेशन नहीं ले रहा होता हूँ या फिर ऑफिस में नहीं होता हूँ,
लाइक मेरे फ्री टाइम में या ब्रेक टाइम में चेक करता हूँ, इंस्टेंटली चेक नहीं करता। अगर आपको इंस्टेंट रिप्ले चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज कर सकते हो, मैं अपना आईडी चैट के अंदर डाल रहा हूँ, सब देख लेना, और जिसका फॉलो करना बाकी है वो आप कर देना, ठीक है। एंटर योर मैसेज, हाँ ये हो रहा है, वेट अ मिनट। ओके मैं यहाँ पर स्क्रीन सबको दिख रही है, मैं स्क्रीन के अंदर लिख रहा हूँ यहाँ पर निकुंज गोहिल 001। आपको अगर इंस्टेंट रिप्ले चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज करना, तो आपको इंस्टेंट रिप्ले मिल जाएगा। इंस्टेंट रिप्ले इन तरह ऐसा नहीं है कि आपने जब भी आधी रात को या कभी भी मैसेज किया तो मैं तुरंत रिप्ले दे दूंगी, लेकिन हाँ इसके अंदर रिप्ले आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। हैकिंग की प्रोसेस में आगे बढ़ते तो इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, मीन्स किसी की भी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है या फिर किसी का भी आपको आईडी पासवर्ड हैक करना है। मैं यहाँ पर एक और चीज भी बता दूं, आपको हैक करना है कि इसका मतलब ये मैं आपको इलीगल वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल आपको हैक का मीनिंग स्टार्टिंग में बता दिया है कि कोई भी चीज को आप डीपली जान जाओ और उसके अंदर सिंपली मान लो कि एंटर हो जाना, आप उसके अंदर खो जाते हो सिंपल कि आपको वही डिवाइस के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा होती है और आप वो डिवाइस के बारे में इतना जानते हो जो बाकी सब यूजर नहीं जानते, उसका मीनिंग है हैक। यहाँ पर मैं कोई भी इलीगल चीज नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट आपके लर्निंग नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो हैकिंग कोई भी डिवाइस का आप करना चाहते हो, लाइक विंडोज का कंप्यूटर, एप्पल का कंप्यूटर, मैक ओएस या फिर विंडोज का कंप्यूटर, इन द सेंस विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम जो आती है विंडोज 7, 8, 11 एंड 10। विंडोज 7 इस जनवरी से बंद हो चुकी है, 14 जनवरी 2020 से माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि विंडोज 7 के बारे में हम कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आपको यूज करना है तो अपने रिस्क के ऊपर करो, अगर हैक हो गया तो विंडोज वाले बंदे यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जवाबदार नहीं है। तो अभी के हिसाब से विंडोज 8, 8.1 या 10 हो उस कंप्यूटर के अंदर आपको डिटेल में जानना है, या फिर एंड्रॉइड मोबाइल हो, एंड्रॉइड में सभी अलग अलग कंपनी आपको मालूम है आ गई कि MI, अपो एंड्रॉइड या फिर iOS हो, विंडोज का फोन हो, विंडोज का फोन भी आजकल ज्यादातर यूज नहीं होता, लेकिन कोई भी डिवाइस इंटरसेंट टेक्निकल हो, राउटर स्विच जो टेक्निकल बंदे उनको सब मालूम पड़ेगा, वरना आगे जैसे जैसे सेशन होता जाएगा सब अलग अलग डिवाइस के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। यानी कि सिंपल मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी टेक्निकल डिवाइस है उसका अगर आपको एक्सेस लेना है, आपको हैकिंग करना है, तो उसके लिए सबसे पहला आपका ऑप्शन होना चाहिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आपके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना आपके लिए अच्छा, इंफॉर्मेशन आपके पास जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप दूसरे स्टेप या तीसरे स्टेप में यूज कर पाओगे। यहां पर मेनली 6 स्टेप है कि जिसके थ्रू आप हैकिंग की प्रोसेस पूरी कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मैंने टेम्पररी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए PPT बनाई हुई है, दिस स्क्रीन। नॉर्मली अब तक जो मैं बैच पढ़ा रहा था उसके अंदर 5 टॉपिक थे, 1, 2, 3, 4, 5। अभी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एथिकल हैकिंग, हैकिंग की प्रोसेस के अंदर 6 स्टेप आ गए। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो है रिकनेसेंस। रिकनेसेंस यानी कि सिंपल भाषा में बोलो तो जो मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यानी कि मैंने आपको बताया किसी की इन्फॉर्मेशन लेना। अब किसी की इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हो तो वो पूरा टेक्निकल फंडा जो है प्रैक्टिकल के साथ में आपको कल के सेशन में बताने वाला हूँ। अभी जस्ट आप बेसिक थियरी नॉलेज ले लो कि कंसेप्ट समझ लो, एक बार कंसेप्ट दिमाग में चला गया तो उसके बाद प्रैक्टिकल ईजी हो जाएगा। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ध्यान रख पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है, मैं यहाँ पर जो प्रैक्टिकल करूंगा आपको ध्यान और आपका आईज शार्प होनी चाहिए ताकि कोई मिस ना हो जाए, ठीक है। एंड आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम भी मिलेगा, मैं सेशन के बाद आपको टास्क भी दूंगा जो आपको परफॉर्म करने हैं, क्योंकि एथिकल हैकिंग जो है वो इंटरेक्शन सेशन है। इंटरेक्शन सेशन इन द सेंस कि जितना आप खुद के आप अपने आप को इंटरेक्ट करोगे इस सेशन के अंदर, इस नॉलेज के अंदर इंक्लूड करोगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, आपने नॉलेज लिया,
प्रैक्टिस की नहीं की चलेगा, आपको आ जाएगा एक दो दिन के बाद या महीने के बाद भी फिर से कंप्यूटर बैठोगे आपको चीज याद आ जाएगी। ये नॉर्मल एमएस ऑफिस या ट्रिपल से ऐसा कुछ नहीं है, एथिकल हैकिंग कोर्स में फुल्ली फुल्ली प्रैक्टिकल होगा, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा। रिकनेसेंस में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन लेनी है हम कल के सेशन में देखेंगे। सिंपल अभी इतना समझ लो कि आपको कोई भी चीज की डिवाइस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिंपली अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू कि मान लो आपको किसी का कंप्यूटर हैक करना है, तो सबसे पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि वो कंप्यूटर कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, लिनोवो है या डेल है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, विंडोज है या फिर कुछ अलग ओएस डाली हुई है, लिनक्स है कुछ अलग है। फिर उसकी यूजर की लैंग्वेज कि मोस्टली वो यूजर कैसे यूज करता है, नॉर्मली तो सब जगह इंग्लिश ही होती है, लेकिन हैकिंग ऐसा नहीं है कि आप अपने पड़ोसी में ही करोगे, अपने स्टेट में ही करोगे या फिर अपनी कंट्री में ही करोगे, आप आउट ऑफ द कंट्री भी कर सकते हो, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी चेंज हो सकती है, आपको वो मालूम होना चाहिए, उसका टाइम जोन मालूम होना चाहिए। ये सब मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन इतनी हाई लेवल की नहीं है कि आप इसे हैकिंग कर लोगे, लेकिन ये बेसिक सब इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही सिंपली अभी आजकल विंडोज में जो है कि माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के थ्रू लॉगिन करने देते हैं, लाइक विंडोज का जो अकाउंट होता है उसके थ्रू, तो अगर आपको उस बंदे का हॉटमेल या लाइव मेल, उसका जो आउटलुक वाला मेल, तीनों एक ही है, मर्ज कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वाले ने, तो कोई भी ईमेल आईडी है उसको आपको मालूम हो तो अभी आप इजीली उसका हैकिंग कर सकते हो। पासवर्ड कैसे क्रैक करना है वो तो मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा। तो आपको कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाएगा अगर आपको उसका आईडी मालूम है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऐसी चीज नहीं है कि कोई आपको बताएगा नहीं या फिर आपके पास नहीं होगी या फिर सर ईमेल आईडी कैसे मिलेगी, क्योंकि आप नॉर्मली कुछ भी काम करना हो तो आप उसको बोल सकते, भाई ये काम तू मुझे मेल कर दे, मैडम हो सर हो आप उसको भी बोल सकते हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप अपने बंदे का या अपने स्टूडेंट का हैकिंग करो, अगर आपके पास हाई लेवल की स्किल है तो आप, आपको जो सर पढ़ा रहे उस सर का भी आप कंप्यूटर का हैकिंग कर सकते हो, क्योंकि हैकिंग के अंदर कोई भी बंदा सब क्या है, टेक्निकल नॉलेज के थ्रू काउंट होते हैं, उसमें एज स्किल, एज डिपेंड नहीं करेगी, स्किल डिपेंड करेगी। सिंपल, जितना आपके पास टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको सब क्यों सब हैकिंग आना चाहिए, जैसे कि सामने वाले बंदे को जितनी सिक्योरिटी मालूम है उससे आपको सिर्फ एक स्टेप आगे रहना है, आपके पास कुछ ऐसी चीज मालूम है जो उस बंदे को नहीं मालूम, तो वही आपका एक ट्रिगर पॉइंट है, तो आप उस कंप्यूटर का, उसके कंप्यूटर का हैकिंग कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे बेस्ट, कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसे अगर आप सब लोग मूवी के अंदर इंटरेस्टेड हो या फिर हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी देखते हो, तो बॉलीवुड के अंदर पहले प्लेयर मूवी आई थी, धूम, धूम टू, वो सब मूवी अगर आपने देखी हो, या फिर हॉलीवुड के अंदर ओशियंस है, फास्ट एंड फ्यूरियस है, वो सब मूवीज है, वो सब में मोस्टली ये चोरी का फंडा है। लेकिन जो ये थेफ्ट होता है, चोरी जो करते हैं, उसके अंदर आपको पूरी मूवी में ध्यान रखो तो पूरी मूवी के अंदर सिर्फ प्लानिंग होता है, कौन बंदा कैसे निकलता है, पैसे या फिर जो खजाने वो कहाँ पर है, उसको कैसे हम बाहर निकालेंगे, किस रास्ते से हम एंट्री करेंगे, किस रास्ते से खजाना लेके निकलेंगे, वो सब फंडा जो है पूरा मूवी अगर आप देखो तो प्लानिंग के ऊपर होगा। और जो चोरी करने का मामला होता है वो लास्ट 10 से 15 मिनट में हो जाता है और वही मेन होता है। तो सेम फंडा यहाँ हैकिंग में भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि आप जो हैक करते हो, जो हैकिंग करते हो वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा है उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर स्टिल किसी को कंफ्यूज हो रहा है या फिर जो मैंने मूवी के नाम लिए हुए वो सब आपने नहीं देखे, तो मैंने आपको मतलब टेक्निक के ग्रुप के अंदर एक मूवी की लिंक भेजी थी कल, वो आप देख लेना, उसमें बहुत सारा ये फंडा बताया हुआ है जिससे आप कनेक्ट हो पाओगे। एंड जो टेक्निक के ग्रुप के अंदर नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते पर्सनली सेशन के बाद, मैं उनको भी लिंक दे दूंगा वो मूवी के थ्रू। मूवी एज अ एंटरटेनमेंट मत देखना, लर्निंग लेने के लिए देखना तो अच्छा रहेगा। दूसरा स्टेप है हमारा स्कैनिंग। स्कैनिंग में कैसा रहेगा कि आपने जो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है वो सब इंफॉर्मेशन के बाद आप उसके अंदर एनालाइज करो, फिल्टर करो कि इसमें से कौन सी चीजें आपको हैकिंग करने के लिए काम आएगी या फिर उस बंदे का डिवाइस एक्सेस करने के लिए काम आएगी, तो वो जो है वो आ जाएगा फंडा स्कैनिंग के अंदर। लाइक जैसे कि अगर आपको यहां पर किसी को अगेन
प्रॉब्लम आ रहा है वॉल्यूम, वेट अ मिनट, किसी को साउंड नहीं सुनाई दे रहा। अभी मैं नहीं बोल रहा, अभी वॉइस नहीं आ रहा है तो कोई मैसेज मत करो। मैंने बोला वेट अ मिनट, किसी और को वॉइस नहीं सुनाई दे रहा। बिंदु बहन आपको आवाज आ रही है? आप हो ऑनलाइन या कनेक्शन कट हो गया? ओके ओके कनेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व, ही इज नाउ एबल टू लिसन। गेट बैक ऑन आवर सेशन। स्कैनिंग के बारे में बात कर रहे थे। सिंपल, अगर आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो उसके बाद आप स्कैनिंग कर सकते हो। स्कैनिंग के अंदर सिंपली आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आपको फिल्टर लगाना है, एनालाइज करना है कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर से आपको कितनी इंफॉर्मेशन हैकिंग करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए काम आएगी। जैसे कि अगर मान लो आपके पास किसी की इंफॉर्मेशन है कि वो हर रोज सुबह 8 बजे जागता है, तो अगर आपको उसका ऑफिस के अंदर कुछ हैकिंग करना है तो ये इंफॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं कि वो सुबह कितने बजे जागता है। लेकिन हाँ, आपको उसका पर्सनल डिवाइस यूज करना है, उसको हैक करना है, एंड आपको मालूम है कि वो हमेशा अपना नेट चालू रखता है, ऑनलाइन रहता है, तो आप 8 बजे से पहले हैकिंग कर सकते हो। उस टाइम आपको यही इंफॉर्मेशन अगेन काम की हो गई। तो इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, भले वो इन्फॉर्मेशन नॉन टेक्निकल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन यूजर की मिल सकती है वो आप इकट्ठा करके एक लिस्ट बना सकते हो, एंड फिर उसके बाद आपको एनालाइज करके प्लानिंग करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं कब, कहाँ पर और किस तरह यूज करूँ, तो ही आप परफेक्ट प्लान बना के हैकिंग कर सकते हो। जो हमारा तीसरा स्टेप है, गेनिंग एक्सेस। जो गेनिंग एक्सेस है यानी कि एक्सेस लेना, आपके पास जो पहले स्टेप में इंफॉर्मेशन आई होगी, आपने जो दूसरे स्टेप के अंदर इंफॉर्मेशन एनालाइज की होगी कि भाई हाँ ये इंफॉर्मेशन मुझे काम लगेगी और मुझे उस बंदे का एक्सेस करना है, तो प्लानिंग करने के बाद तीसरा स्टेप आपके लिए आएगा कि गेनिंग एक्सेस, एक्सेस के नेलन। उसके बाद है मेंटेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस में मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हमें टेक्निकल फंडे पढ़ने बाकी है, लेकिन सिंपल की इंफॉर्मेशन लेने के बाद, एनालाइज करने के बाद आप उसका एक्सेस ले पाओगे, वो हो जाएगा। चौथा जो स्टेप है वो है
मेंटेनिंग एक्सेस, यानी कि मान लो आपने अच्छे से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में एनालाइज करके आपने तीसरे स्टेप में पहुंच के एक्सेस भी ले लिया, लेकिन जिस बंदे का या फिर जिस डिवाइस का आपने एक्सेस लिया हुआ है उसको अगर मालूम पड़ गया कि भाई मेरा कोई हैक कर रहा है, तो वो तुरंत ऑफलाइन हो जाएगा, अगर बंदा टेक्निकल है या फिर वो अवेयर है तो, या फिर कनेक्शन क्लोज कर देगा, अगर वाईफाई या कंप्यूटर के नेट के थ्रू है तो उसका इंटरनेट बंद कर देगा, इन शॉर्ट नेटवर्क से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एंड अगर वो एक बार नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया तो आपने जो मान लो कि 10-15 दिन या महीना मिलके जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है या फिर जो फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन को फिल्टर किया एंड एक्सेस लिया, वो किसी काम का नहीं रहा, आपकी सब मेहनत वेस्ट हो गई। आपका हैकिंग करने का या फिर एक्सेस करने का फंडा तभी सक्सेसफुल होगा जब आप उसको मेंटेन कर सकते हो। मेंटेन करना यानी ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस रहना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है और कोई भी हैकर ऐसा करता भी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक्सेस ले लिया तो आपके पास एक्सेस तब तक रहे जब तक आपका खुद का एक्सेस करने का जो इंटेंशन था, जो काम था, जो टारगेट गोल था, वो खत्म ना हो जाए। अगर तब तक आपका एक्सेस मेंटेन रहता है देन यू आर गुड, यू आर डू द हैकिंग, आप हैकिंग कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो मेंटेन एक्सेस सबको समझ में आ गया। उसके बाद क्लियर इंटरेक्ट, अगर मान लो आपने एक्सेस अच्छे से ले भी लिया जब अपना काम कर रहे थे, तब सामने वाले बंदे को मालूम नहीं पड़ा कि उसका हैकिंग हो रहा है, लेकिन बाद में फिर कभी भी एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, आधे घंटे के बाद जब आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद अगर उसको कहीं से भी आइडिया आता या हिंट मिल जाती है कि भाई मेरा डेटा में कुछ चेंज हुआ है या फिर ये मैंने नहीं किया, कहाँ से हुआ, एंड अगर वो चेक करता है एंड उसको अगर मालूम पड़ता है हाँ भाई मेरा डिवाइस में कुछ मिलेशियस एक्टिविटी हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, एंड अगर वो चेक करता है या फिर साइबर क्राइम में रिपोर्ट करता है, तो फिर चौथे स्टेप के बाद भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप कोई एक्सेस करते हो तो हर एक डिवाइस के अंदर कहीं ना कहीं डेटा रहता है। डेटा इन द सेंस, यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन दिख रही है नोटपैड की, तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसको बोलते हैं लॉग। लॉग ये हिंदी वाला नहीं, जनसंख्या नहीं, लॉग यानी कि लॉगिंग। लॉगिंग ये क्या होगा कि जैसे कि आप कहीं पर भी जाते हो तो वहां पर आपकी एंट्री करवाते हैं, जैसे कि अभी आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने घर में है, लेकिन जैसे कि आप अपने रिलेटिव के यहाँ पर गए हो या फिर कोई अदर अपार्टमेंट में गए हो, तो वहां पर बाहर सिक्योरिटी वाला बंदा होता है एंड वो अपने बुक के अंदर एंट्री करवाता है कौन बंदा आ रहा है, नाम, नंबर, साइन, कितने बजे आ रहा है, कौन से फ्लैट में वो मीटिंग के लिए जा रहा है, सब लिखवाते हैं। या फिर कोई ऑफिस के अंदर भी आपके पास आई कार्ड होता है और वो ऑफिस में जब जाओ तो आपको आई कार्ड दिखाना पड़ता है, या फिर बाहर वॉचमैन या जो सिक्योरिटी गार्ड भी था उसको आपको दिखा के एंट्री मिलती है, तो सब जगह वो अपना एक रिकॉर्ड रखते हैं। तो जो रिकॉर्ड रखते हैं फिजिकली, उसी तरह टेक्निकली हर एक डिवाइस अपने अंदर क्या क्या चीज हुई, कब किसने एक्सेस लिया या फिर क्या चेंजेस होता, सबका रिकॉर्ड रखता है, उस रिकॉर्ड को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लॉगिंग। सिंपल बोलते हैं लॉग, और वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं, वो स्टेव करने की प्रोसेस उसको लॉगिंग बोलते हैं। तो हर एक डिवाइस में वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो उसकी वजह से अगर आपने मान लो एक्सेस मेंटेन कर लिया, आपका काम भी खत्म हो गया, आपने हैक कर लिया, आपका जो इंटेंशन या गोल या टारगेट था वो फिनिश हो गया, लेकिन आपकी जो फुटप्रिंटिंग है वो अंदर है, सॉरी फुटप्रिंटिंग मैंने आपको समझाया नहीं, फुटप्रिंटिंग हम आगे कवर करेंगे, लेकिन सिंपल ये जो लॉगिंग है उसका जो डेटा रह जाता है उसको फुटप्रिंटिंग भी बोलते हैं, आगे मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो वो जो होता है वो कहीं ना कहीं डिवाइस स्टोर है, और उस लॉग या रिकॉर्ड का यूज करके साइबर सिक्योरिटी वाले वो पता कर सकते हैं कि कैसे आपके डिवाइस को, जैसे मैंने आपको बताया कि पुरानी बैच में भी ये सब 5 स्टेप पढ़ा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कोर्स अब 6 स्टेप हो गए, जो ये रिपोर्टिंग है वो नया स्टेप है। ये सब करने के बाद भी जैसे कि आपने इंफॉर्मेशन ले ली, इंफॉर्मेशन को स्कैन कर लिया, एनालाइज कर लिया, वो इंफॉर्मेशन यूज करके आपने एक्सेस ले लिया, एक्सेस तब तक आपने मेंटेन रखा जब तक आपका काम नहीं हो गया, काम खत्म होने के बाद आपने सब लॉग रिकॉर्ड डिलीट भी कर दिया, तब किसी के पास कुछ प्रूफ नहीं है कि क्या किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप हेडिंग देखो तो क्या है, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग मैंने आपको समझाया कि अच्छे काम के लिए, तो अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया है, पर्सनली किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
आपको किसी को प्रूफ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप एथिकल हैकर हो या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो, तो आपने जो कुछ भी किसी का एक्सेस लिया या फिर कैसे एक्सेस लिया, कब, कौन से टाइम पे, कौन सी डेट पे, कौन से डिवाइस से एक्सेस लिया, वो सब आपको खुद को मेंटेन करना पड़ता है एंड उसका आपको मेल बनाना पड़ता है। कंपलसरी नहीं मेल है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग प्रोसेस होती है, कहीं पर स्पेशली एप्लीकेशन है जहां पर ऑप्शन होते हैं, आप सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हो, लेकिन अगर मोस्टली है, मोस्टली सब जगह क्या होगा कि मेल के थ्रू होगा, तो वहां पर आपको फिर आएगा रिपोर्टिंग वाला फंडा कि आपने क्या क्या चीज की, कितने बजे आपने अपनी प्रोसेस शुरू की थी हैकिंग करने के लिए, कौन सा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज किया आपने हैकिंग करने के लिए, कहां से कौन सी सॉफ्टवेयर से आपने सामने वाले का एक्सेस लिया, कितने टाइम तक आपने वो एक्सेस मेंटेन रखा, कौन से आपने टास्क यानी कि रिकॉर्ड मिटा दिए है, कौन से रखे है, क्या पूरी प्रोसेस की, वो आपको उसका एक पूरा फॉर्मेट बना के आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड को, अपने हेड को सीनियर बोलो या टीएल बोलो या फिर डायरेक्ट बॉस जो आपका हेड हो, उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपने क्या प्रोसेस की। तो वो स्टेप है रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो एडवांस हेलो।
हेलो।